हेलो दोस्तों, मीना किचन फूड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दिखाने जा रहे हैं मीना का बगीचा। मीना के बगीचे में क्या क्या सब्जियां लगी हुई हैं वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, पालक लगी हुई है। पालक हमने एक माह पहले लगा दिया था और इसी से तोड़ तोड़ कर सब्जी बनाते रहते हैं। और ये इसके बाद है, ये लहसुन, हमने लहसुन लगा दिया है। और ये लहसुन यही ज़मीन के अंदर होती, इसकी गुड़ाई भी की जाती है। और जब ये खाना हो तो इसकी चटनी भी बना सकते हैं सागा की। और ये है टमाटर, टमाटर भी मैंने एक माह पहले लगा दिया था, छोटे छोटे पौधे। और ये अब इसमें फूल लग रहे हैं, ये देखिए कितने अच्छे फूल लग रहे हैं। और अब इसके बाद इसमें फल फल लगेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और अब ये कुल मिला करके दो माह हो गया है, तो इन पौधों में ये टमाटर लग गए हैं। और टमाटर देखिए कितने अच्छे लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा टमाटर आए हैं और कितने खूबसूरत भी दिख रहे हैं। और इन्हें बस ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि मैं इसे छत पे लगाई हूँ। ये बागवानी मैंने छत पे किया है दोस्तों, नीचे पन्नी बिछाकर ऊपर से मिट्टी डाल करके उसी में मैंने इसको पौधा रोपण किया है और पौधों को लगाया है। और ये देखिए ये क्या है, ये प्याज का, प्याज लगाई हूँ मैं, इसका भाजी है, प्याज भाजी है ये। और चूंकि इसमें प्याज नहीं होंगे नीचे, क्योंकि मैंने प्याज लगाया था भाजी खाने के लिए। और ये देखिए, ये कुछ दिन बाद इसमें ये देखिए धनिया पत्ती है, धनिया पत्ती में फल भी आ गए हैं, ये धनिया लग गई है इसमें। ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी लग रही है, इसकी भी धनिया पत्ती जब भी ज़रूरत होती है हम लोग नीचे ले जा कर के सब्जी में डाल लेते हैं। और ये पालक के बाद देखिए ये क्या है, रोपा भाजी लगी थी, उसी में बीज आ गए हैं। और ये बीज यदि इस तरह के रहते हैं, इसको अच्छा हाथ से मसल के डाल दे तो फिर से भाजी तैयार हो जाती है दोस्तों। और इसके बाद ये देखिए लोनिया भाजी कहते हैं इसको, ये भी लगी हुई है। और ये छोटे छोटे पौधे दोस्तों, ये भिंडी के हैं, भिंडी भी लगा दिए हैं थोड़ा सा। और सारी चीज़ें तो छत पर ही लगी हुई हैं पलिया बना करके। प्याज भाजी है। और ये देखिए दोस्तों, कुछ ना कुछ सब्जियां मैंने लगा ही दी है। ये देखिए भिंडी है ये। और अभी हमारा वीडियो बहुत लेट से आया है, क्योंकि घर में फंक्शन था, उसी में हम बिजी थे। और ये देखिए दोस्तों, ये गुड़ाई भी करना पड़ता है, जैसे घास वगैरह उग जाता है तो उसको निकालना पड़ता है। ये देखिए भिंडी के फूल हैं, कितने खूबसूरत दिख रहे हैं ये भिंडी के फूल। और ये क्या है दोस्तों, ये देखिए ये मूली, मूली हम लगाए थे तो मूली तो खाली, ये दो चार पौधा बचे थे मूली के, तो उसी में ये फूल लग गए हैं, तो मैंने इसको छोड़ दिया। मैं सोचा इसमें बीज लग जाएंगे तो बीज भी काम आ जाएगा, किसी बीज फिर से लगा देंगे तो मूली बन जाएगा, तो मैंने इसको छोड़ दिया है। और ये देखिए दोस्तों, ये मिर्च का पेड़ है, जो छोटे छोटे थे अब तो बढ़ गए हैं धीरे धीरे, ये भी एक माह हो गया है। और ये देखिए दोस्तों, खास तो हमने छत पर अपने चना भाजी लगाया है। चना भाजी का वीडियो मैंने डाला है, रेसिपी बनाकर डाला है, और यहीं छत से ही तोड़े थे हम चना भाजी। तो ये देखिए दोस्तों, चना भाजी कितनी सुंदर लगी हुई है। उसके बाद ये बैंगन के छोटे छोटे पौधे हैं, ये बढ़ जाएंगे, अच्छा पानी खाद मिलेगा तो। और ये मैंने लगा दिया है लौकी, और लौकी का पेड़ भी लगा दिया है। और ये देखिए ये क्या है, ये धनिया पत्ती है, और धनिया पत्ती है, और बैंगन का ये पौधा है, बैंगन का पौधा है जिसमें क्या है कि फूल लग रहे हैं। और ये छोटा सा अपना ये मटर का पौधा है,
तो ये देखिए दोस्तों, उसी में मैंने सेम का पौधा भी लगा दिया है, सेम भी लगी हुई है। और इतने छोटे से पौधे में देखिए दोस्तों कैसे सेम लग गई है, सब्जी भी लग गई है इसमें। ये इतना छोटा सा पेड़ है दोस्तों, और ये अभी और बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा, फल लगते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से लगे हुए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, बड़ी मेहनत के साथ मैंने छत पर सब्जियां लगाई हैं। बहुत शौक था हमको सब्जी लगाने का, तो मेरे पास तो जगह थी नहीं, छत बचा था तो मैंने छत पर ही सब्जी लगा दी। तो मैंने सोचा अपने दोस्तों के साथ इसको साझा किया जाए, दोस्तों को दिखाया जाए। तो ये देखिए, ये बरबटी है दोस्तों, ये बरबटी नहीं है दोस्तों, सेम है, सेम का पौधा है। और ये देखिए, सेम का हमने कई पौधा लगा दिया है, 4-5-6 पौधा लगा दिया है कि अच्छा से हो जाएगा तो ठीक रहेगा। और ये देखिए दोस्तों, छोटा सा ये घुइया का पेड़ था, और ये है क्या है अपने पास दोस्तों, ये मेथी, मेथी भाजी है, जो भाजी हमने खा लिया है, लेकिन इसमें जो बचा हुआ था उसमें फल लग गए हैं, मेथी हो गई है। तो मैंने इसको छोड़ दिया है कि लग जाएगा, मेथी बन जाएगी। ये है राजमा, ये राजमा का पौधा है दोस्तों, इसको भी मैंने कोने में मिट्टी डाल करके लगा दिया है। और इसके बाद है ये धनिया पत्ती, धनिया पत्ती की अच्छी बड़ी पल्लियाँ बना के लगाई है हमने, जिससे धनिया पत्ती हमेशा मिलती रहे छत से। और ये देखिए दोस्तों, ये पालक भाजी है, तो ये पहले लगी हुई थी, बहुत पहले, तो इसमें अब ये देखिए फूल लग गए हैं। और इसका किस तरह का बीज होता है ये भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये इसे पलिया में अभी खाली फूल लगे हुए हैं, तो मैं आपको फूल दिखा रही हूँ। और कितनी अच्छी भाजी लगी हुई है। और ये मिर्च है, इसमें भी फूल आ गए हैं, मिर्ची के पेड़ में भी फूल आ गए हैं। और दोस्तों ये है कि यदि अपने घर पर लगा लिया जाए थोड़ी बहुत सब्जी, तो सब्जी के लिए भटकना नहीं पड़ता है कि रोज़ लिए झोला बाजार जाते रहें, अपना घर में ही सब्जी तोड़े और बना लिए। ये देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये मूली भाजी के, मूली के ये फूल हैं, मूली के फूल हैं ये सफ़ेद सफ़ेद, और इसी फूल से दाने बनते जाते हैं। इसका भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि किस तरह का बीज होता है इसमें। और ये मिर्च के साथ हमने ये बैंगन लगा दिया है, बैंगन के पेड़ हैं जो अभी फल नहीं दे रहे हैं, खाली इसमें फूल लग रहे हैं। और ये देखिए, कांटेदार भी बैंगन होता है, जिनके पत्तों में बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, वो भी बैंगन मैंने लगाया है अपनी छत पर। तो ये देखिए दोस्तों, मैं इसको आपको दिखा रही हूँ। और बीच बीच में दोस्तों ये प्याज मैंने लगा दिया है, ये प्याज का थरहा लाए थे बाज़ार से, उसी को मैंने बीच बीच में लगा दिया है, इसमें प्याज होगी नीचे। और ये देखिए दोस्तों, ये प्याज भाजी कैसी उगी हुई है। और ये आलू है दोस्तों, ये देखिए आलू है, ये हरे हरे पत्ते जो दिख रहे हैं। इसके बीच में दोस्तों मैंने बीच बीच में टमाटर के पौधे लगा दिए हैं, छोटे छोटे पौधे टमाटर के लगा दिए हैं, कि जब ये आलू निकल जाएगा तो ये टमाटर के पौधे अच्छे बड़े हो जाएंगे, और टमाटर गर्मियों में आराम से मिल जाएगा। ये देखिए भाजी, गर्मियों में प्याज भाजी खाने का मज़ा ही अलग होता है। और ये देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी प्याज भाजी हुई है। ये बाल्टी में मैंने एक छोटा सा पौधा लगा हुआ है, लौकी का बीज लगा दिए थे इसी में। और ये लाल भाजी है, लाल भाजी भी मैंने एक पलिया बनाकर लगा दी है, कि गर्मी के मौसम में भाजी मिलती रहेगी खाने के लिए, क्योंकि गर्मी के मौसम में भाजी बहुत कम आती है और गर्मी के कारण जल जाती है, तो मार्केट में भाजी कम आती है। इसको मैंने अपने घर पर ही लगा दिया है भाजी, तो इसी से हम भाजी ले जाते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये सरसों है, सरसों, इसको भी मैंने लगाया था भाजी की नियत से ही लगाया था, तो भाजी तो मैंने खाया बहुत, लेकिन इसमें अब क्या, इसमें बीज आ गए हैं, तो बीज भी ठीक है अपना। और ये लौकी है, लौकी का इतना छोटा सा पेड़ है दोस्तों, बिल्कुल
कोई इसकी लंबाई नहीं है, लेकिन इसमें फ्रूटिंग होने लगी। ये देखिए इसमें लौकी भी आ गई है दोस्तों, छोटी सी लौकी है। और ये देखिए कैसी इसमें कितनी सारी लौकियाँ हो गई हैं, ये देखिए। और ये जो हमने अभी आपको दिखाया था साग प्याज भाजी और आलू भाजी के, तो ये देखिए दोस्तों उसके बीच कैसे लगा दिया है हमने ये टमाटर का पौधा। तो ये टमाटर के धनिया पत्ती का पौधा, मतलब धनिया पत्ती भी मैंने लगा दी है, तो धनिया पत्ती भी हो जाएगी और निकालते भी जाते हैं यूज के लिए। ये देखिए दोस्तों कैसे धनिया पत्ती हैं, छोटी छोटी धनिया पत्ती इसमें, ये देखिए छोटे छोटे पेड़ हैं, अब ये बढ़ जाएंगे तो अच्छी तरह से। तो मैंने धनिया कई जगह लगा दी है कि धनिया की कमी ना पड़ने पाए। और प्याज भाजी भी अपना तोड़ते खाते रहते हैं। तो ये देखिए दोस्तों कितनी सुंदर ये प्याज भाजी हुई है। और इसमें अभी यदि इसमें ज़्यादा समय हो जाता है तो फिर इसमें फूल लग जाते हैं, उसमें बीज आ जाता है। तो फिर बीज भी मैंने छोड़ ही दिया है, जब इसमें फूल लग गए थे तो बीज के लिए छोड़ दिया है, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ धीरे धीरे। और ये है मिर्ची का पौधा, ये मिर्च का पौधा है, ये अभी छोटे हैं, कम से कम ये लग जाएगा, एक महीना लग जाएगा इसमें फल लगने के लिए। और ये देखिए ये वही सरसों भाजी है, सरसों का पेड़ है, ये मिर्ची का पेड़ है जिसमें मैं पानी डाल रही हूँ। पानी ये छत पर लगा हुआ है तो धूप बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसलिए इसमें पानी बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है, दो टाइम तीन टाइम डालना पड़ता है। चूँकि मेरा शौक़ है ये बागवानी करना, इसलिए मैंने इसमें छत पर लगा दिया है। और इसमें दो टाइम तीन टाइम मैं इसमें पानी अच्छी तरह से डाल देती हूँ। और ये देखिए इसी तरह से मैं पानी डालती हुई आगे बढ़ रही हूँ। और छत पर मैंने पलिया बना करके अच्छी तरह से ये लगा दिया है, सारी सब्जी मैंने लगा दिया है। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा दिख रहा है। और ये प्याज भाजी में भी मैं पानी डाल रही हूँ। और मैं अभी आपको बहुत कुछ दिखाऊंगी कि इसमें कैसे कैसे बीज आ गए हैं और किस किस चीज़ में बीज आ गए हैं। पालक में आ गए हैं दोस्तों, और मूली में आ गए हैं। और मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने वीडियो लेट डाला है, तो मेरे घर फंक्शन था, तो फंक्शन मेरी बेटी का बेटा हुआ था तो उसका मुंडन था, इसलिए मैंने उसी में मैं बिजी थी। ये देखिए दोस्तों टमाटर कितने अच्छे तरीके से टमाटर पके हुए लगे हुए हैं। और टमाटर बहुत यदि अच्छी तरह से लगा दिया जाए दोस्तों तो बहुत ज़्यादा टमाटर होता है। टमाटर के लिए कोई ख़ास ज़मीन की आवश्यकता नहीं होती है, बस इसमें थोड़ा गोबर खाद की ज़रूरत होती है। तो इसमें मैं गोबर खाद अच्छी तरह से दे दी हूँ और बढ़िया मिट्टी लगा दी हूँ। तो देखिए कितना अच्छा टमाटर हुआ है, ये देखिए कितना घना टमाटर हुआ है, बिल्कुल लाल लाल टमाटर लगे हुए हैं। ये देखिए ये अंदर छुप के लगे हुए हैं, अच्छी तरह पके हुए टमाटर हैं। और जब चाहे सब्जी में ले गए, तोड़े और बनाए खाए इसको, इस हिसाब से मैंने इसमें लगा दिया है छत में। तो इसको देख करके तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। और इसमें मेहनत तो बहुत लगता है दोस्तों, लेकिन यदि शौक़ है तो मेहनत कोई मायने नहीं रखता है। क्योंकि मेरा शौक़ है, मैं इसलिए बागवानी ऊपर छत पे लगाई हूँ। और ये देखिए दोस्तों इसमें धूप ना पड़े ज़्यादा, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा ऊपर से लकड़ी लगा दी हूँ कि धूप इकट्ठा ना पड़े। और ये तो ये देखिए दोस्तों मैं इसको तोड़ भी रही हूँ, टमाटर को तोड़ तोड़ के रख रही हूँ दोस्तों। तो इसी तरह से मैंने इसको सजाया है अपनी छत पर, अपनी बागवानी को। जब आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। यदि आपको ये हमारी बागवानी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जाके ये ज़रूर बताइएगा कि जब आपने हमारा बगीचा देखा तो आपको
कैसा लगा। ये देखिए जो सड़ गए हैं तो मैंने उसी ज़मीन में डाल देती हूँ, जो बीज रहता है फिर से पेड़ बन जाता है। तो दोस्तों जो हमारे चैनल पे नए हैं वो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगला नोटिफिकेशन उन तक आराम से पहुंच जाए। ये देखिए दोस्तों प्याज में फूल लग गए हैं, जो हमने प्याज अभी आपको दिखाया था तो एक माह के बाद उसमें फूल लग गया। एक माह के बाद देखिए ये आलू के जो भाजी है वो सूख गई है। और ये देखिए दोस्तों इसके जड़ में, ये जो जड़ है इसके जड़ में आलू लगता है। तो मैं आपको एक आलू निकाल के भी दिखा रही हूँ, ये देखिए अंदर जड़ में लगा हुआ रहता है। और यदि दोस्तों ये अभी तो मैं आपको बहुत सारा दिखाऊंगी कि ज़मीन के अंदर किस तरह आलू लगा हुआ था, तो मैं अभी आपको इसका आगे चल के बताती हूँ। ये भी आलू हैं, पूरे ये पलिया में आलू ही आलू हैं, चूँकि आलू अंदर मैच्योर हो गया है इसलिए ऊपर जो इसका पत्ता है वो सब सूख गया है। ये देखिए मैं इसको ये खुदाई करके मट्टी हटा करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसके अंदर किस तरह से आलू हुआ है। ये देखिए दोस्तों मैं हाथ की सहायता से, आप छोटे से कुछ सामान ले लीजिए उससे भी खोद करके निकाल सकते हैं आलू। तो मैं अपने हाथ की सहायता से ही आपको आलू निकाल करके दिखा रही हूँ। और ये देखिए दोस्तों, और मैंने आलू जो है दोस्तों, जो हमारे घर में आलू आया था पहले उसमें बीज आ गए थे, मैंने उसी आलू को इसमें लगा दिया था, उससे इतने आलू हो गए हैं, मैंने ख़रीदा नहीं था बीज। ये देखिए दोस्तों कितने सारे आलू निकल आए हैं, चंद आलू में इतने सारे आलू निकल आए हैं। और ये देखिए हम इसको मिट्टी हटा हटा करके ये आलू निकाल रहे हैं, और आप देखिए कितने सारे आलू निकल आएंगे इससे। तो इसको मैंने ख़रीदा नहीं, घर के ही आलू से ये उगाए हैं हम ये आलू। और ये देखिए इसमें कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों, बस इसे थोड़ा बहुत खाद पानी मिलता रहे। और ये देखिए दोस्तों जो हमने मूली का फूल दिखाया था ना, उसी से ये बीजा बन गया है। इस तरह के बीज होते हैं इस तरह के मूली में। तो देखिए दोस्तों कितने सारे बीज हो गए हैं, तो मूली भी खा लिए और बीज भी हो गए, तो इसी बीज को अगले साल लगा देंगे। और ये देखिए दोस्तों ये जो सुंदर सा पौधा है, ये किस चीज़ का पौधा है, ये सौंफ का पौधा है। सौंफ तो ये खुद से हो गया था, इसको हमने लगाया नहीं था, तो ये बड़ा हुआ तब समझ में आया कि अरे ये तो सौंफ का पौधा है। और ये भाजी है, चना भाजी, और ये अब इसमें जो है फल लग गए हैं, इसमें चना हो गया है। तो पहले तो हम लोग चना भाजी का यूज कर लिए, उसके बाद जो बचा था उसमें ये फल लग गए हैं दोस्तों। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये भाजी हुई थी, और बहुत अच्छा। देखिए ये एक चीज़ तोड़ के दिखा रहे हैं हम आपको, इसमें कितना सुंदर तरीके से चना लगा हुआ है और बिल्कुल घना लगा हुआ है। इतनी सी डगाल में 5-6 चने लगे हुए हैं। तो इसको मैंने फिर छोड़ दिया था, 4-5 बार इसको बनाया था तोड़ तोड़ के, फिर इसके बाद छोड़ दिया है। तो दोस्तों ये बगिया ये लगाने का, तो ये देखिए बैंगन का पौधा, और ये देखिए दोस्तों ये टमाटर गमले में कितना सुंदर लगा हुआ, और कितने सारे टमाटर इसमें लग गए हैं। और ये हम देखिए इस तरह का, ये अब एक माह के बाद ये बैंगन में फल भी आ गए हैं। बैंगन लगा हुआ, बैंगन बहुत अधिक लगा हुआ है, कहीं पर हरे लगे हैं, कभी कहीं पर बैंगनी कलर के लगे हुए हैं। और दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा कि हमारी बगिया आपको कैसी लगी, हमारी मेहनत कैसे क्या है। हमने बहुत मेहनत किया दोस्तों इसमें, क्योंकि ये हमें मिट्टी का जुगाड़ करके छत पर ये लगाए हैं। ये देखिए मेथी भाजी है, मेथी को भी हमने यूज कर लिया भाजी के रूप में, और फिर जो थोड़ा बहुत बचा था तो उसमें इस तरह के मेथी लग गई है। छोड़ दिया कि बीज ही हो जाएंगे, कौन इसको ख़त्म करे, जब बीज बन जाएंगे तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी इसके बीज।
तो ये मेथी है दोस्तों, और ये देखिए दोस्तों, हमने बताया था ना आपको हर एक चीज़ बताएंगे। ये पालक है, पालक में इस तरह के बीज होते हैं, इस तरह के बीज लगते हैं पालक में, इसलिए मैंने पालक को भी जब बाद में छोड़ दिया था तो इसमें बीज लग गए हैं। और इस तरह के ये बीज होते हैं दोस्तों, और सूखने पर इसको अच्छी तरह से रख लें और ये दूसरे जगह लगाएंगे तो फिर से पालक हो जाएगी, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। और कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, अगला मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या है। ये घुइया के पत्ता है, और ये बैंगन का पेड़ है। बैंगन का पेड़ कितना अच्छा दिख रहा है, और इसी में घुइया का पत्ता भी दिख रहा है। तो ये मेरे नीचे आंगन में मिट्टी में लगा हुआ है, ये देखिए दोस्तों, मिट्टी में लगा हुआ है ये। तो ये एक पेड़ बैंगन और ये एक पेड़ मिर्ची का है, मिर्ची भी आपको अभी दिखा रही हूँ। और ये बैंगन कितने खूबसूरती के साथ बैंगन लगे हुए हैं, ये गोल वाले बैंगन हैं, इसका भरता बनता है। तो इसको मैंने एक पेड़ यहाँ लगा दिया था, और यहाँ पानी भी बहुत पड़ता रहता है इसलिए बहुत तेज़ी से इसमें होता है। और ये है मिर्ची का पेड़, देखिए दोस्तों इसमें कितनी सुंदर तरीके से मिर्ची लगी हुई है, बिल्कुल हरी मिर्ची। इन्हें पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर टंकी रखी हुई है पानी की, तो इसलिए पानी भरपूर मात्रा में मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर मिर्ची का ये पेड़ बहुत सक्सेस है। और इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ये अपने आप होता रहता है क्योंकि यहाँ पानी गिरता रहता है दोस्तों, तो इसलिए ये यहाँ पर होता रहता है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे अगला नोटिफिकेशन आप तक हमारा आसानी से पहुंच जाए। और फिर देखिए ये दोस्तों, टमाटर का पौधा दिखा रही हूँ, यहाँ तो गजब का लगा हुआ है और बढ़िया पके पके टमाटर लगे हुए हैं। टमाटर हमने भरपूर मात्रा में उगा लिया है, और बस हो गया, यहाँ पानी की ही ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है क्योंकि ये छत पर लगी हुई हैं। और ये सौंफ है, सौंफ देखिए तो दोस्तों, कुछ दिन के बाद इस तरह से सूख गया है, तो मैं आपको इसका बीजा भी निकाल के दिखा रही हूँ कैसा बीज हो जाता है इसका। ये देखिए पूरी सौंफ बन कर के तैयार हो गई है, ये बस इसको काट के अब बस सुखा देना है। तो हमको भी पता चला कि ये सौंफ का पेड़ कैसा होता है। और ये देखिए दोस्तों, ये पालक है, तो पालक भी हम तोड़कर थोड़ा सा उसका बीजा दिखा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह का ये बीज होता है, इसको हम मिट्टी में लगाने पर फिर से पालक हो जाएगी। तो ये था मीना का छोटा सा बगीचा, जहाँ पर आपने ढेर सारे पौधे देखे। इसके साथ हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। धन्यवाद।